नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। अमित शाह बोले, 5 साल में कुछ नहीं होगा, चाहिए 25 साल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अच्छे दिन लाने के लिए हमें 25 साल का समय चाहिए, 5 साल में कुछ भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बीजेपी की समीक्षा बैठक में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि तुम कुछ नहीं हो, जो भी है सब पार्टी ही है। आत्ममंथन करें कि पार्टी से जुड़े तब क्या थे और पार्टी अलग हो जाए तो क्या बचेगा। शाह ने कहा कि घर का बच्चा यदि कमजोर हो तो बाहर ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। अपने विरोधी भ्रम फैला रहे हैं, उनका डटकर मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि पार्टी में नकारात्मकता बढ़ रही है, इसे छोड़ना होगा। आरक्षकों को महंगा पड़ा चालान, हुड़दंगियों ने पीटा। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने वाले 2 ट्रैफिक पुलिस आरक्षकों की सोमवार को हुड़दंगियों ने जमकर पिटाई कर दी। आरक्षकों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये घटना उस समय हुई जब कांस्टेबल जय भगवान और मनोज ने एक नाबालिग को दूसरे बच्चों के साथ बाइक चलाता देखकर उन्हें रोका और उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। इन बच्चों ने लाइसेंस दिखाने के बजाय अपने परिजनों को फोन करके बुलाया और वे आते ही कांस्टेबलों को बेरहमी से पीटने लगे। ये घटना किसी ने मोबाइल फोन कैमरे में कैद कर ली और फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मध्य एशिया का दौरा कर स्वदेश लौटे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और 5 मध्य एशियाई देशों का दौरा संपन्न कर सोमवार रात स्वदेश लौट आए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स और एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ तथा अन्य नेताओं से बातचीत की। 8 दिवसीय दौरे में मोदी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजस्तान और ताजिकिस्तान गए। यहाँ पालम तकनीकी हवाई अड्डे पर विमान से उतरने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, मध्य एशिया की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश वापसी। इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में ये लंबी यात्रा थी। मोदी ताजिकिस्तान से दिल्ली लौटे हैं, जो उनके दौरे का अंतिम पड़ाव था।